हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टेक शॉट 2.0 में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट विवेक। दोस्तों, जैसे मैंने आपको वादा किया था कि मैं जल्द से जल्द यू एंड आई स्मार्ट वॉच की एक फुल डिटेलेड वीडियो बना दूंगा कि कैसे उसकी एप्लीकेशन काम करती है और कैसे सारे ऐप्स उसके रन करते हैं और क्या क्या हमको उसके एप्लीकेशन में फीचर्स मिलते हैं और कैसे हम उसका वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। ये है वो स्मार्ट वॉच यू एंड आई कंपनी की, जिसकी हम फुल्ली एप्लीकेशन रिव्यू करने वाले हैं। चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं और साथ ही साथ दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो हम आप तक लाते रहते हैं और आप तक पहुंचाते रहते हैं, ताकि आप जब भी कोई नया स्मार्ट वॉच या कोई भी प्रोडक्ट लें तो आपको बिल्कुल भी तकलीफ ना हो उसके सारी इन्फॉर्मेशन जानने में। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसके एप्लीकेशंस के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या फीचर्स हमें ये प्रोवाइड करती है और कैसे जो ऑटो ब्राइटनेस होता है या जो भी चीज़ होता है कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, ये आप ऐसे स्लाइड करेंगे तो कुछ आपको फीचर्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे, अच्छी तरीके से आप देख लीजिए। तो जिसमें हमको सबसे पहले, जैसे ही आप मोबाइल कनेक्ट करते हैं इसके साथ, तो ये जो ऊपर नो डेटा लिखा है ये स्टार्ट हो जाएगा, अपने आप ही वेदर्स के बारे में जानकारी दे देगा। और अब ऐसे अगर आप स्लाइड करते हैं इसको तो सबसे पहले ही आपको दिख जाएगा ब्लूटूथ कनेक्शन बहुत ही अच्छी तरीके से। जैसे ही आप इसको कनेक्ट करते हैं तो ये कुछ ग्रीन कलर में हो जाता है। और ये सब बारे में तो मैंने जो इससे पहले जो वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग की थी, तो उसमें आप फुल्ली वीडियो देख लेना कि क्या क्या चीज़ें इसमें शॉर्ट फॉर्म में मैंने बता दिया था सब कुछ। तो हम अभी जो बात करेंगे वो इसके फुल डिटेल में बात करेंगे कि कौन सी एप्लीकेशन में क्या हमें प्रोवाइड होता है और इसमें क्या एप्लीकेशन है। चलिए फटाफट इसके सेटिंग में देख लेते हैं, जो इसकी मेन चीज़ है सेटिंग में हमें क्या मिलता है। सबसे पहले दोस्तों आपको ऑटो ब्राइटनेस का, माफ कीजिए, ब्राइटनेस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। फिर ये हाईलाइट्स का ऑप्शन है जो अभी हम स्मार्ट वॉच के साथ कनेक्ट करेंगे उसके बाद आपको पता चल जाएगा। साथ ही साथ स्क्रीन टाइम आउट है और डू नॉट डिस्टर्ब का भी इसमें ऑप्शन दिया गया है। अच्छा, इधर से भी होता है तो मैं क्यों उंगली कर रहा हूँ इसको। ओके, डू नॉट डिस्टर्ब का भी है। साथ ही साथ शॉक है, थीम से दोस्तों अलग अलग तरीके से आप इसको बदल सकते हैं। जैसे कि मैं नीचे वाला अगर ऑप्शन सेलेक्ट करूँ तो कैसे खुलता है ये। ओके, कुछ इस तरीके से खुलेगा ये और बहुत ही प्यारा दिख रहा है, बहुत ही अच्छा है। गेम वगैरह सब कुछ ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। ये सारे दोस्तों आपको साइकिलिंग, रीडिंग, फलाड़न, ढिमक्कन जो भी हो सारी चीज़ दे दी गई है। और बस इतना ही था। चलिए फटाफट एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और देखते हैं क्या क्या फीचर उसमें हमें प्रोवाइड की जाती है। हालांकि इसका मैंने एप्लीकेशन का नाम तो पढ़ लिया था और फिर भी ना मिल रहा तो ये रहा, आपको इस तरीके का पत्र में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा ही है एरिफाइन नाम का, तो हम प्ले स्टोर ढूंढ लेते हैं पहले अपना एप्लीकेशन है। ये रहा एरिफाइन नाम का एप्लीकेशन, आप इसको देख लीजिए, कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। इसका लोगो कुछ इस तरीके का है। तो चलिए फटाफट इसको इंस्टॉल कर लेते हैं और इसको इसके ऊपर रख देते हैं। ओके, तो हम ओपन करते हैं। तो ओपन करने के बाद ये दोस्तों आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा जो हमें दे देना है, अलाउ कर देना है। अलाउ। ओके, टोटली कंप्लीट। अब दोस्तों कुछ इस तरीके का आपके पास ये ऑप्शन खुलेगा, जिसमें दोस्तों आपको सबसे पहले, अगर आपने पहले से ही बना रखा है इसमें अकाउंट तो ठीक बात है, बना सकते हैं, और नहीं बनाया तो रजिस्टर करके फिर से बना सकते हैं। और ये सब झमेला तो मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि दोस्तों इतना कुछ अपने करते नहीं हैं कि इसकी ज़रूरत पड़े। अगर आप एकदम ही अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहते हैं इस स्मार्ट वॉच को, तो आप अपना ईजीली इसमें अकाउंट बना सकते हैं। तो हमको तो बनाना नहीं है दोस्तों, तो हम शॉर्ट फॉर्म में जाएंगे, लॉगिन डायरेक्ट में जाएंगे। ओके, तो लॉगिन डायरेक्ट में जाने के बाद ये आपको कुछ इस तरीके का एक अकाउंट बना के दे देगा। एक स्क्रीनशॉट ले लिया है ताकि फ्यूचर में अगर मैं भूल जाऊँ तो वापस से इसको कनेक्ट कर सकूँ। तो हम सिंपली इसमें लॉगिन कर देंगे और ये कुछ जानकारी देगा कि जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा आपसे, हालांकि बता तो देगा। तो आपको अपने हिसाब से अपना उम्र, जेंडर और आपकी हाइट वेट जो भी हो सारी चीज़ें फिल कर देनी है। हालांकि मुझे तो अभी भी फिल करना नहीं है तो मैं ऐसे लिख देता हूँ। ओके, ये मैंने अपना नीक नाम डाल दिया और ओके कर दिया सिंपली। तो ये सक्सेसफुली सेट हो चुका है दोस्तों। अब हम पीछे आएंगे
और ये सारे भी परमिशंस मांगेगा अपना, बैटरी सेव और ये वो जो भी हो आप अपने हिसाब से देख कर और अलाउ कर दीजिएगा। मुझे ये अलाउ नहीं करना, मैं डायरेक्ट एप्लीकेशन पे आ जाता हूँ। और हाँ, ये एक परमिशंस मांगेगा मेन में, एक्सेस में, तो आपको इसको अलाउ कर देना है। और अब सबसे पहले हम अपने स्मार्ट वॉच को ऑन करते हैं और इसके साथ अपने मोबाइल को एक बार कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो इसमें हैरी 3.0 नाम से आपका लिखा हुआ आएगा, आपको कनेक्ट कर लेना है और पेयर। ओके, तो ये कनेक्ट हो चुका है, या जैसा आप ऊपर देख सकते हैं इसमें एक जो पहले वाइट या ग्रीन से सर्च करा था वो अब पूरी तरह से ब्लू हो चुका है, यानी कि ये आपका कनेक्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। जैसे अलाउ करेंगे ये अपने स्मार्ट वॉच को सर्च करने लगेगा दोस्तों। ओके, तो आ गया है यहाँ पे और इसको हम कनेक्ट कर लेंगे एक बार। और कनेक्ट होते ही ओके कनेक्ट हो गया और यहाँ पे आ भी गया एक कंफर्मेशन, तो ओके हम इसको ओके दे देंगे। और ये देख सकते हैं सक्सेसफुली डिवाइस ये हो चुका है कनेक्टेड। और कितने परमिशन मांगेगा भाई, तो ये सिंपल सा आपको देखने को मिलेगा और बहुत ही अच्छा इन्होंने डिस्प्ले किया है। सबसे पहले आपको दोस्तों हेल्थ के बारे में जानकारी देता रहेगा, जैसे जैसे आप वर्कआउट करेंगे अपने स्मार्ट वॉच में तो कुछ इस तरीके का ये आपको बताता रहेगा आपने क्या क्या, कितना डिस्टेंस, कितनी कैलोरीज खर्च की। और साथ ही साथ दोस्तों नीचे आपको टाइम्स एंड मिनट्स देखने को मिल जाएगा, आपका हेल्थ रेट, हार्ट रेट होगा जो भी, और स्लीपिंग मूड, कितना आप सोए हैं और कितना सोना चाहिए जो भी हो। फिर इसके बाद दोस्तों आपको स्पोर्ट्स के मूड में देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ ब्लड ऑक्सीजन ये भी ये कैलकुलेट करता रहता है। और जैसे आप स्मार्ट वॉच में स्मार्ट वॉच से कैलकुलेट करेंगे अपने हैंड में बांध के, तो वैसे इस एप्लीकेशन में भी आपको बता दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते आगे क्या, तो तीसरा है माय, ये हमारे अकाउंट के इन्फॉर्मेशन में है। यहाँ पे आप दोस्तों अपना फोटो वोटो वगैरह जो भी हो सारी इन्फॉर्मेशन सेट कर सकते हैं। और डिवाइस सेटिंग्स में क्या आता है देख लेते हैं। डिवाइस सेटिंग्स से दोस्तों बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, जिन्हें कुछ ऑप्शंस आप इनेबल भी कर सकते हैं और डिसेबल भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। पहला है फाइंड डिवाइस है दोस्तों, अपने मोबाइल को ढूंढना तो ये देखो बज गया और बहुत ही ज़ोर से वाइब्रेशन करता है हालांकि ये दोस्तों। दूसरा है मैसेज रिमाइंडर, जिन जिन चीज़ों का आप रिमाइंडर चाहते हैं अपने स्मार्ट वॉच में उन चीज़ों को आप ऑन कर सकते हैं। अलर्ट अलार्म रिमाइंडर दोस्तों, यहाँ से आप जैसे अलार्म सेट करेंगे तो आपके स्मार्ट वॉच में भी वो चीज़ हाईलाइट हो जाएगी, बता दी जाएगी आपको रिमाइंडर। और ये दोस्तों जो भी आप उठपटांग चीज़ें करना चाहते हैं वो चीज़ इसमें सेट कर सकते हैं कि आपको कितने बजे कोई चीज़ स्टार्ट करनी है और कितने बजे उसको स्टार्ट नहीं करना, और ऐसी चीज़ें ये एवरी रिपोर्ट का है, यानी कितने से कितने टाइम के लिए आपको कौन सा काम करना है वो इसमें आपका घड़ी बताता रहेगा। और डू नॉट डिस्टर्ब मोड दिया गया दोस्तों, वाइब्रेशन मोड दिया गया है, यहाँ से आप अपने स्मार्ट वॉच की डू नॉट डिस्टर्ब और वाइब्रेशन मोड को ऑन ऑफ कर सकते हैं, करके देख सकते हैं। और साथ ही साथ लैंग्वेज सेटिंग का भी दिया गया है और वार्निंग मेथड क्या है, ये लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं लेफ्ट और राइट हैंड का कॉम्बिनेशन। साथ ही साथ अगर दोस्तों आपका सॉफ्टवेयर अपडेट भी आता है स्मार्ट वॉच के लिए तो यहाँ से ही आपको मिल जाएगा, और फैक्ट्री डेटा भी आप यहीं से कर सकते हैं। चलो, तो अच्छी अच्छी चीज़ें दी गई हैं। और क्या है इसमें, ओके डायल आ गया दोस्तों, डायल में देखते मेल है, यहाँ से आप जो इसके थीम्स हैं वो चेंज कर सकते हैं। नेट थोड़ा हालांकि स्लो है दोस्तों इसलिए बता नहीं रहा। ओके, यहाँ से आप अपना थीम चेंज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ओके वॉलपेपर्स तो दोस्तों बहुत ही प्रीटी प्रीटी दिए गए, बहुत ही जोरदार दिए गए। चलिए कोई भी एक अपने बदल के देखते हैं, मैं ये बदल के देखना चाहता हूँ व्यू। ओके रिमाइंड नाउ यूज इमीडिएटली, ओके तो मैं चलिए बदल के देखता हूँ दोस्तों। प्रोसेस शुरू हो गया और प्रोसेस हालांकि थोड़ा फास्ट। 1, 2, 3 एंड गो। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे भी चेंज हो चुका है। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे डायल हैं, आप कोई भी रख सकते हैं,
और इन सभी में से भी अगर पसंद ना आए तो यहाँ से न्यू प्रोडक्ट लिस्ट में जाके भी आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। अलग अलग तरीके डायल्स हैं, तो बहुत सारे डायल्स हमको मिल जाते हैं दोस्तों। फिर भी इससे भी आपका अगर मन ना भरे, आप अपने हिसाब से कोई भी रख सकते हैं, सिलेक्ट पिक्चर करते हैं क्या कहता है ये, ओके। तो ऑनलाइन या सिलेक्ट पिक्चर आप अपने हिसाब से कोई भी रख सकते हैं जो रखना चाहते हो। मान लीजिए मुझे ये टेम्पल रखना है, इतना भागी रखना है, तो पहले सबसे पहले हम सिलेक्ट कर लेंगे इसको, ओके। तो यही सिलेक्ट कर लेते हैं इतना भाग, इस पर ओके कर देंगे, कंप्लीट ओके। तो कुछ इतना भाग मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ अपने लिए, कर दिया। अब ये क्या कहना चाहता है, ओके एडजस्ट करने को बोल रहा है, ओके एडजस्ट हो चुका है। जैसे ही हम करेंगे सेव एंड यूज, तो आप देख सकते हैं बदल चुका होगा ये, ओके इसका प्रोसेस चालू हो गया अभी, बहुत ही फास्ट कर रहा है। और कुछ जो मोबाइल होते हैं, कुछ डिवाइस होते हैं, उसके हिसाब से भी ये वर्क करता है। जो डिवाइस जितना फास्ट होता है उतना ही ये वर्क करता है। ओके तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चेंज हो चुका है दोस्तों, देख लीजिए चेंज हो चुका है ये। तो चलिए अब कुछ और चीज़ें देख लेते हैं इसमें, हालांकि सारी चीज़ें ख़त्म तो हो गई है। अबाउट में जाके देखते हैं क्या है ये, ऐप वर्जन, यूज प्राइवेसी एग्रीमेंट, और ये सारी जरूरी चीज़ें दी गई हैं जो अपने काम की तो है नहीं, ओके। तो दोस्तों यही सारी चीज़ें थी जो आपको मैं बताना चाहता था। तो दोस्तों आज का अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं और आप तक पहुँचाते रहते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।